गुलामी की जंजीरों में बंधे होने और गोरी अंग्रेजी सरकार के जुल्म और दबाव की असीम व्यथा सहते सहते जब बात अपनी चरम सीमा पार कर गई तो भारत माता के वीर सपूतों के सब्र का बांध टूट गया और मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे जैसे अनेकों माँ के लालों ने आजादी की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की जो चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, 1947 में भारत को आजादी का सुनहरा पैगाम दे गई। उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती पर जन्मे मंगल पांडे ने राष्ट्रप्रेम और दिलेरी का परिचय देते हुए बंगाल के बैरकपुर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया। क्रांति की इस चिंगारी ने धीरे धीरे शोला बन सारे देश को अपने लपेटे ले लिया। उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी के विक्टोरिया पार्क में 9 मई 1857 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ। 72 भारतीय सैनिकों ने जब मेरठ से दिल्ली के लाल किले की ओर कूच किया तो इस आंदोलन की आग समूचे देश में भड़क उठी। मजदूर, किसान और आम आदमी के दिलों में भी आजादी की ना बुझने वाली एक लौ प्रज्वलित हो गई। एक छोटी सी चिंगारी अब आग की तरह मेरठ से बिठूर, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, बरेली और झांसी से होते हुए देश के अधिकांश हिस्सों में फैलने लगी। एक चिंगारी आग बन गई, आजादी की इच्छा संग्राम बन गई। झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और वो अपने इस कथन पर आखिरी सांस तक अड़िग रही। उनके अदम्य शौर्य की गाथा आज भारत के जन जन की वाणी बन गई है। वीरांगना लक्ष्मीबाई औरत होते हुए मर्दानी बनकर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की सेना और सेनापतियों पर टूट पड़ा करती थी। उन्होंने अपनी बहादुरी से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को जीते जी झांसी के किले पर कब्जा नहीं करने दिया। चारों ओर से घिर जाने के बावजूद उन्होंने वीरता, धीरता और गंभीरता से लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा करते करते 17 जून 1858 को अपना बलिदान दे दिया। यद्यपि 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य को हासिल न कर पाई पर इसने व्यापक रूप से हर भारतीय के दिल में कभी न बुझने वाली आजादी की एक लौ जला दी। इसके पश्चात महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वदेशी मांग के रूप में आजादी की एक संगठित, सुनियोजित व निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में आजादी की आवाज को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने मार्शल लॉ लगा दिया। भारत के वीर सपूत फिर भी डटे रहे और शांति प्रदर्शन करते रहे। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और गोरी सरकार ने निहत्थे लोगों पर गोली चला दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए। इसे सुन देशवासी दूसरे विश्व युद्ध में जब सारा संसार जंग के अंगारों में जल रहा था और लोगों में खौफ और खलबली थी, ऐसे समय में भारत माता के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को गुलामी के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए अपने बल पर इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज का गठन किया। पराधीन देश की जनता में स्वराज के संघर्ष को नई चेतना मिली। नेताजी ने आजाद हिंद फौज में 40,000 कर्मठ योद्धाओं को भर्ती कर लिया। इस तरह पूरे देश में आजादी के प्रति नई ऊर्जा और ज्वाला उत्पन्न हुई। देश में नया जोश था। नेताजी ने अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों को आजाद करवाकर आजाद हिंद सरकार बनाई और वो पहली सरकार के प्रधानमंत्री बने। Thank you.
देशवासियों का त्याग और बलिदान अंततः रंग लाया। अंग्रेज देश छोड़ने को विवश हुए और यूनियन जैक की जगह हमारा तिरंगा भारत माता के मस्तक पर लहराया। हम धन्य हैं कि अपने देश की आजादी के अमृत महोत्सव में, स्वराज के इस 75वें वर्ष में, हम काल चक्र के एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां भारत दुनिया के सर्वोच्च देशों में गिना जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत माता के सच्चे और नेक सफल वर्ष एक नई आजादी का अनुभव कर रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती के लाभ कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के योग्य दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है और हम एक नई वास्तविक आजादी का अनुभव कर उल्लास से सराबोर हैं। आइए हम सब मिलकर आजादी के इस अमृत महोत्सव का आनंद लें और खुशियां बांटें।